वेलकम बैक टू आवर चैनल आइडियल सिटी एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए कुछ बातें, और ये बातें होंगी हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स और इम्यूनिटी को लेकर, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन आज़म खान जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जी, थैंक यू, शुक्रिया, कोई बात नहीं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस पैंडेमिक को चलते हुए, एक वैश्विक महामारी है, सिर्फ हमारा ही देश नहीं पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। और इन सब चीज़ों में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ये भी पता लगी कि क्या है कोरोना, कैसे हमको उसे लड़ना है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो ये चीज़ सामने आई कि इम्यूनिटी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें सही होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, और कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो उसमें ये भी रहा कि इम्यूनिटी गेन करने के सही तरीके क्या हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे इम्यूनिटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे डाइटिशियन आज़म जी के साथ। इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर ये इम्यूनिटी है क्या, जिसका इतना मिथ और इतनी बातें पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली एशियन कंट्री में चल रही है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने पूछा कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ लोगों को, जो सर्दियों का मौसम आता है तो कुछ लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। जी, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका रीज़न यही कि जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, या उनको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है किसी भी तरह की। कोई ऐसे ही जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है वो जल्दी कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है कि हमारा शरीर किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से कितने अच्छे से लड़ पाता है। इस चीज़ को इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। और इम्यूनिटी पावर डिपेंड करती है खान पान पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो अगर हम अपना खान पान अच्छा रखते हैं, सब्जियाँ, सलाद, नेचुरल फूड्स, अच्छी नींद लेते हैं, अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी रहेगी। तो क्या ये इम्यूनिटी का जो फैक्ट है, या क्या ये एज और जेंडर पर भी फैक्टर करता है इम्यूनिटी? जी हाँ, ऐसा देखा गया है या ऐसा माना जाता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है और हम वृद्धावस्था के करीब पहुँचते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है। और ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी इम्यूनिटी पावर कम होती है। लेवल जो एडल्ट होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी मानी जाती है। और अगर जेंडर की बात करें तो जो फीमेल हैं उनका इम्यूनिटी पावर कम मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो क्या इसमें, जैसे हमने ये आपने बताया कि, तो ये माना जा सकता है कि यूथ जनरेशन है, या ये जो टाइम है, एज है, वो सबसे अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए। तो लेकिन बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्मोकिंग हो गई, और भी जैसे खान पान या लाइफ स्टाइल हो गई रहने की, कि आजकल लोग गेम में बहुत जा रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही, तो क्या इनसे यूथ जनरेशन में भी इम्यूनिटी तेज़ी से डाउन होगी, या ऐसा कुछ होगा कि बढ़ा भी सकते हैं? अभी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसा देखा गया है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, या जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, या जो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स पे डिपेंड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लगती है, कम होने लगती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना वज़न अच्छा रखना, जितनी वज़न होना चाहिए एक हाइट के हिसाब से एक पर्सन का, उस वज़न उतना वज़न हो, और साथ में हम स्मोकिंग वगैरह जो गलत आदतें हैं उनको ना अपनाएं, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करें, और साथ में खान पान का भी ध्यान रखें। तो इन सब में जैसे ये फूड का क्या है, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या कौन से ऐसे फूड हैं जो हमको इम्यूनिटी गेन करा सकते हैं? और स्पेशली इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि अक्सर हम लोग फूड पर जब जाते हैं, डिश पर जब जाते हैं, तो हमारा पहला जो एम होता है वो टेस्ट होता है। घर में भी जो हमारा डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट की डिमांड होती है वो टेस्ट को लेकर होती है, पसंद के ऊपर होती है। और जब हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 100% टेस्ट के ऊपर होती है। तो क्या इस टेस्ट के वे में हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे कवर करें? तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम टेस्टी फूड खा रहे हैं जो हमें पसंद है तो वो इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ाएगा।
तो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं, उसके सलाह लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्टी भी हैं और साथ में वो हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं। तो अगर हम डाइट की बात करें आजम जी, तो कौन से ऐसे फूड है जिन्हों हमको लॉन्ग प्रोसेस में अपनी डाइट में रखने होंगे जो हमारी इम्यूनिटी को स्टेबल बनाए रखें? तो जैसा कि मैंने बताया कि इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स से बढ़ती है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट, और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जनरली जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो विटामिन और मिनरल्स से बढ़ती है। जैसे अच्छा विटामिन और मिनरल की बात करें तो सारे विटामिन से नहीं, जैसे कि आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, इन चीज़ों को लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा इंक्रीज होती है। और प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाइट से ही इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, डाइट के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी हेल्दी रखना है, और इसके अलावा प्रॉपर नींद लेनी है और पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है। तो जब ये सारे एफर्ट हम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो सकती है। तो इसमें कुछ मिथ भी चलते रहे कि बहुत सारी न्यूज़ कहीं व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू बहुत सारी न्यूज़ आती रही कि इनसे इम्यूनिटी है, अदरक है, लहसुन है या किसी चीज़ का जूस है, उनसे बोला गया कि इम्यूनिटी बढ़ती है, इन सब चीज़ों पर क्या राय है आपकी? हाँ देखिए, अभी जो रिसेंट 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें ये देखा गया है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के सोर्स बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि व्हाट्सएप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, और भी बहुत जगह से। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन पाने का करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई भी चीज़ फॉलो करने जा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई टिप्स फॉलो करने जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो टिप्स कहाँ से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, उसको भी ज़रूर ध्यान दें। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी टिप्स फॉलो करनी है वो ऑथेंटिक सोर्स से होनी चाहिए, कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इसके बारे में जानकार हो, उसकी टिप्स फॉलो करनी है, जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी टिप्स को फॉलो करना है। और वो सारी टिप्स जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आती रहती हैं, उनको फॉलो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अभी आज के ही पेपर में ये पब्लिश हुआ कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 800 लोगों की डेथ हो गई सिर्फ गलत टिप्स को फॉलो करने से, और लगभग 5000 लोग को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा गलत चीज़ों को फॉलो करने से। तो इसका ध्यान रखना है, हमें जो भी टिप्स फॉलो करनी है वो ऑथेंटिक सोर्स से जो आ रही है उनको ही फॉलो करना है। ये भी मैं अपने व्यूवर्स से एक बार फिर कहूँगा कि देखिए, बहुत सारे हमको ऐसे सोर्स मिलते हैं इम्यूनिटी गेन करने के, तो जैसा कि आजम जी ने बताया, उसको पहले आप किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से कन्फर्म करा लीजिए कि क्या यही चीज़ें, कोई दवाएं भी अक्सर लोग बताते हैं होम्योपैथ या एलोपैथ में, आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाएं इस सीज़न, इस कोरोना के में बताई गई कि इस दवा से होगा। तो बेसिकली हम सबको पता है कि अगर कोरोना की बात करें तो कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और उसके अलावा भी अगर कोई बीमारियां होती हैं तो उसकी पर्टिकुलर कोई मेडिसिन होती है। तो कुछ भी चीज़ या कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें इस बात को प्रूफ कर लेना चाहिए उस किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से। तो इस कड़ी में मैं एक ज़रूरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसा कि शुरू से ही बताया गया कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कोरोना या इन सब चीज़ों में ज़्यादा खतरे में हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो क्या डायबिटीज़ और इम्यूनिटी और इस सब में क्या राय है आपकी? जहाँ तक डायबिटीज़ के पेशेंट की बात है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर उनकी ब्लड शुगर ज़्यादा है, ज़्यादा चल रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी इन्फेक्शन उनको होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। कोरोना का ही नहीं, अगर उनको सर्दी जुकाम भी हो गया या कहीं चोट लग गई या खांसी बुखार भी हो गया, कोई भी इन्फेक्शन होगा वो तब तक अच्छे से ठीक नहीं होगा जब तक कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। तो डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल रखनी है, रेगुलर अच्छी डाइट लेनी है, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहना है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, घर से बाहर कम ही निकले जो भी डायबिटिक पेशेंट है, ताकि उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहें। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज़ पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। जी शुक्रिया। और एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर, एक डायबिटीज़ और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई ये भी आती है कि
कि ये भी बताया गया कि जो 10 साल से कम एज के बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं ये भी इस कोरोना या इम्यूनिटी में डाउन है या उनको ज़्यादा ख़तरा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के थ्रू? हाँ, तो जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रूफ हो गया है कि जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनका मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब जो यंग है वो रिकवर हो जाते हैं, अक्सर जो एज जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको रिकवर होने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने तो जो एजड लोग हैं वो सारे प्रिकॉशन अच्छे से फॉलो करें और साथ में वो अपने डाइट पे ख़ास ध्यान रखें कि उनकी डाइट में नेचुरल फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रूट्स लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लें, प्रोटीन के लिए वो नॉनवेज के सोर्सेज भी ले सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं, और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, उनकी प्रॉपर नींद प्रॉपर होनी चाहिए, डीप स्लीप। अच्छा, नींद की बात करें तो नींद ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ज़्यादा सो रहे हैं तो नींद अच्छी है, ज़्यादा सोना और अच्छा सोना ये दोनों बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो 7-8 घंटे सोना भी ज़रूरी है और 7-8 घंटे की डीप स्लीप है, मतलब ऐसी स्लीप हो जिसमें वो रेस्ट पर हो या ज़्यादा अच्छे से सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो उनको भी अच्छी कोई ऐसी फिक्र करने की बात नहीं है। तो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा इस शो में हमारा, कि जैसे हम लोगों ने देखा कि शुरुआत से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या स्पेशली भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में उतनी अच्छी रिकवरी रेट नहीं रही कोरोना को लेकर और केसेस ज़्यादा है, इसका क्या किसकी क्या वजह रही? जहाँ तक मतलब मेरा जहाँ तक अनुभव है और मैं जो समझता हूँ उसका यही रीज़न है कि भारत में हमेशा से ही ऐसा रहा है, मतलब हमारी जो डाइट रही है भारत में वो हमेशा सब्जियों पे बेस्ड रही है, फ्रूट्स पे बेस्ड रही है, और हमारे यहाँ बचपन से ही हम बच्चों में भी मतलब अभी तक जो देखा गया अभी भी बच्चों में, मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो जो रूरल इंडिया है उसमें ये देखा गया कि बच्चों में भी अभी हेल्दी खान पान की आदत गई नहीं है, अभी भी वो पिज़्ज़ा बर्गर और मैगी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, सब्ज़ी दाल रोटी चावल दही इन चीज़ों का ही सेवन ज़्यादा करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न रहा है कि हम लोग की इम्यूनिटी जो अभी हमारे एडल्ट है क्योंकि वो बचपन में अच्छा खान पान लेता आया है अभी तक, तो अभी तक उन सब की इम्यूनिटी अच्छी रही है। तो यही मेरे ख्याल से वजह रही है कि हमारे भारत में नौजवानों की इम्यूनिटी अच्छी रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोर्टैलिटी रेट जो है वो अदर कंट्रीज़ की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी जानकारी हमको आज इस शो से मिली और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगी कि आखिर है क्या इम्यूनिटी, इसको लेकर जो मिथ फैले हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें हमने आज आज़म जी से पता करी। अब हम अगले एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड और भी न्यूज़, और साथ ही साथ ये स्लीप, जैसे कि अभी बात हुई आज़म जी से कि डीप स्लीप और अच्छी स्लीप या इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि देर तक सोना या कम सोना, ये इसमें बहुत फ़र्क है, और सही नींद क्या होती है, इनसे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे हमारे डाइटिशियन आज़म जी से अगले एपिसोड में। डायबिटीज़ को भी कवर करेंगे और हम देख रहे हैं कि इधर बहुत सारी नई बीमारियाँ, डेंगू भी इसी बीच आ गया है और ये सब चीज़ें भी हैं, उन सब से रिलेटेड भी अगले एपिसोड में हमारे इस चैनल आइडेंटिटी एकेडमी पर इस शो में अगले एपिसोड में बहुत सारी बातें हमारे साथ होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म जी हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी लोगों को सही जानकारी पहुँचाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।